फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। सो ये एक चैलेंज था मेरे लिए। उसके बाद हमें फील्ड में प्लेस करते थे, बच्चों के साथ काम करना पड़ता था, औरतों के साथ काम करना पड़ता था, रेप विक्टिम के साथ भी मैंने काम किया है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे मैंने काम किया है। तो एज ए फैमिली ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि बीइंग ए गर्ल आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दिस सेंसिटिव इश्यूज। लेकिन मैंने वहाँ पे धीरे धीरे अपनी फैमिली को समझाया कि ये बहुत ही बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट है, इसमें हमें बहुत ही नॉलेज मिलेगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव दिस कोर्स एज माई प्रोफेशन, बिकॉज जो मैं आज बोल पा रही हूँ शायद अगर मैं कोई और कोर्स लेती या फिर मतलब कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इतना मतलब कि एडवांस नहीं होती। इसके बाद मैंने मास्टर किया, फिर मैंने 4 साल जॉब भी किया, स्ट्रगल कंटिन्यू था, स्ट्रगल आज भी है, स्ट्रगल उस समय भी कंटिन्यू था, बट ठीक है, स्ट्रगल का जो एक प्रोग्रेस है वो थोड़ा धीरे हो गया, मतलब जब इतना स्ट्रगल था आज थोड़ा कम है। आज जहाँ मैं एक बात को समझाने के लिए 10 बार मुझे बोलना पड़ता था, आज शायद मैं एक बार बोल दूँगी तो मान जाते कि हाँ भाई तुम अब डॉक्टर हो गई हो, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, है ना। तो ये प्रोफेशन में अगर देखें तो स्ट्रगल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है भाई। जैसे सचिव सर ने बताया कि जो एक दूसरी जाति है जैसे चमार जाती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, एक एक्सेप्टेंस है समाज में, है ना। हाँ ठीक है, ऐसी है ऐसी में फिर वो और डीप में जाएंगे, अच्छा चमार हो हाँ ठीक है, यादव हो हाँ ठीक है, लेकिन वंस एक बार ये जो गेट पता लगता है कि हाँ मैं सी में भी वाल्मीकि हैं, एक तो अपना रेशियो भी कम होता है और दूसरा उसमें भी लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, अच्छा तुम लोग भी आगे बढ़ रहे हो और एक इतना कम रेशियो, ऐसे आपको मिल जाएंगे हर जगह, लेकिन मिलेंगे रविदास मिलेंगे, यादव में मिलेंगे, ओबीसी मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन जो अपना अपना वाल्मीकि समाज है उनका रेशियो बहुत ही कम है ना। तो ये स्ट्रगल ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने कि भाई हमें एजुकेशन में जितना आगे बढ़ना होगा जितना आगे बढ़ना है उतना बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक रेशियो बराबर ही कर देना चाहिए, जितने आज तक चमार और ये रविदास है उतना ही रेशियो हमें भी लेके आना चाहिए, ताकि जो हमारे लिए कि जो चूड़ा एकदम से जो टॉन्ट लगता है ना वो तभी खत्म हो पड़े, उनके लिए ऐसा कटाक्ष नहीं होता है, नहीं लगता होगा उनको, क्योंकि उनके लिए समाज में एक एक्सेप्टेंस हो गया है, हम लोगों के लिए अभी वो नहीं है, हमें और स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके बाद कोई भी अचीवमेंट जैसे मेरी होती, जैसे मैंने नेट क्वालिफाई किया, जेएनएल क्वालिफाई किया, तो एक एक टॉन्ट होता था, अरे एससी है, एससी में तो मार्जिन कम रहता है, अगर मान लो आपने आउट ऑफ 180 कर लिया होगा आप एससी हो गया होगा, जनरल में जो ये रेशियो 90% जाता है 96% जाता है वो इसलिए रह जाते हैं, चलो भाई एक्सेप्ट कर लिया आगे बढ़ते हैं। पीएचडी में हाँ ऐसी है आपका रेशियो होगा आपको हो गया। और सबसे बड़ी बात मैंने डेली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से अपना डॉक्टरेट किया है, और वंस माय गाइड केम टू नो अबाउट इट कि आई एम बिलोंग टू एससी कैटेगरी, शी रिफ्यूज टू टेक मी एज माय यू नो एज मी एज ए रिसर्चर, ये मुझे इनडायरेक्टली पता लगा, लेकिन उस समय भी हमारे पास एक क्लोज होता है तो बिकॉज ऑफ दैट क्लोज वो मतलब कि बाउंड हो गए मुझे लेने के लिए और मेरे को रिसर्च कराया, लेकिन रिसर्च भी ऐसे नहीं, मुझे अपनी तरफ से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनकी तरफ से 10% था, मेरी तरफ से 90% था, वो हो गया, फिर ये चलता रहा, ऐसी है नहीं कर पाएगी, स्कूल फिटिंग है, अतिथि से पास आउट है, हिंदी मीडियम है, लाभ लाभ लाभ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी, लेकिन मैंने किया। और मैं मतलब कि अभी आज मेरे गाइड आज ये सीन है कि मेरे गाइड मेरी पीएचडी को जो उनके जो जूनियर रिसर्च फेलो आते हैं उनको दिखाते हैं कि पीएचडी ऐसे करो, ये मेरी और शायद मेरे रिसर्च मेरे गाइड ने ये चीज़ समझने में 5 साल लगा दिए कि मैं मेहनती हूँ, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट उनको ये समझाने में आज बताता है कि सर ये घंटों बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ती थी, इसका छोटा बच्चा था, ये बच्चे को लेके आती थी, डे केयर में छोड़ती थी, फिर उसको फीड कराने जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर ये अपना लिखती थी, फिर ये हॉस्टल में ठहरी है, बच्चे को छोड़ के इसने इतना मेहनत किया, तब उनको लगा अच्छा इसने मेहनत किया है, वो भी छोड़ दो,